हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। इस वक्त टाइम हो रहा है भाई 2 बज रहे हैं, ठीक है। सो दोपहर अच्छी निकली हुई भाई धूप। सो मैं जा रहा हूँ भाई अपनी दुकान पर, ये थोड़ा सा सामान है बाइक को देना है, फिर थोड़ी देर उधर ही टाइम स्पेंड करूँगा। सो देखते हैं वहाँ का कैसा रहता है एक्सपीरियंस, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आप लोग बने रहें भाई। घर से पैदल ही जा रहा हूँ, अगर कोई लिफ्ट दे देगा तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो पैदल ही अपना सफ़र तय करेंगे दुकान तक। सो चलते हैं भाई, देखते हैं कैसा रहता एक्सपीरियंस आज का भाई। ये देख लो दोस्तों, रात को सूर आते हैं भाई, सारी फसल ख़राब करके चले जाते हैं भाई। ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े खड्डे खोदे हुए हैं भाई। ये सारी सरसों की फसल है भाई, सारी की सारी ख़राब कर दी है भाई। ये देख रहे हो भाई, ये मेन प्रॉब्लम है। ऊपर से बारिश नहीं हो रही है भाई, जिसकी वजह से सारी सरसों सूख रही है भाई। ये देख रहे हो इस साइड भाई, सूर भाई पूरी ज़मीन उखड़ के रख दी है इन्होंने यार। सो दोस्तों, स्कूल वाले भैया जा रहे हैं भाई घर, इनके साथ मिल गई लिफ्ट भाई, इनके साथ जा रहा हूँ मैं दुकान तक भाई। अच्छी बात है भाई लिफ्ट मिल गई, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ता मेरे को। सो दोस्तों, पहुंच गया भाई दुकान पर, भैया का शुक्रिया जिन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी भाई। सो फाइनली दोस्तों, दुकान पर पहुंच गया हूँ भाई। भाई बोल रहा है कि मिनी बस में आ रहा है सामान। सो बस जब आती है तो करते हैं इंतज़ार भाई। सो आप लोगों को भी दिखाते हैं भाई मिनी बस। ये आ रही है भाई हमारी मिनी बस। सो भाई उस्ताद जी जब हैरन मारते हैं ना भाई, कुछ अलग सा सुकून मिलता है भाई। सो मेरे दोस्त, दुकान से सीधा भाई आ गया हूँ घर। बाइक के साथ आया था भाई, प्रवीण भाई के साथ मोटरसाइकिल पे। सो अब मैं आ गया भाई अपने स्कूल में, अपनी यादें ताज़ा करने के लिए भाई। भाई काफ़ी अच्छा लगता है भाई जब स्कूल से आप पास आउट होते हो भाई पढ़कर, ठीक है, फिर आगे बाहर की लाइफ जब एक्सपीरियंस करते हो, फिर उसके बाद फिर से आप स्कूल में जब इंटर करते हो ना भाई, जो मोमेंट आपके होते हैं ना बचपन के भाई, वो कभी नहीं भूल सकते भाई। मैं ये कहता हूँ भाई, कॉलेज लाइफ हो चाहे आप किसी भी लाइफ में इंटर कर लो, बट जो स्कूल लाइफ है ना आपकी, वो आप कभी नहीं भूल सकते भाई। भाई बेस्ट मोमेंट है मेरे स्कूल से भाई, जो जो आज एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसी स्टेज से भाई, जो मेन स्टेज दिख रहा है भाई, जब प्रेयर के समय हमारा जब परेड होती थी ना हमारे स्कूल की, तब भाई उस स्टेज पे जब मैं खड़ा होकर कुछ बोलता था ना, तो ये कॉन्फिडेंस मुझे वहाँ से आया उस स्टेज से भाई, अपने स्कूल से, ठीक है भाई। आज मैं किसी भी टॉपिक को उठा लूँ भाई, कुछ भी बोलूँ, कुछ बंदे भाई नहीं बोल पाते हैं, मुझे पता है। ऑन कैमरा भाई मैं आज कई बंदों का ब्लॉग शूट करता हूँ ना भाई, शर्मा जाते हैं, कोई मतलब इग्नोर कर देता है, बट भाई ये कॉन्फिडेंस ना इसी स्टेज से आया भाई, मैं झूठ नहीं बोलता भाई। जो स्टेज ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया ना ज़िंदगी का भाई, स्कूल ने, मुझे कहीं नहीं मिल सकता ऐसा। आप जो भी कोई अच्छी चीज़ अपनी ज़िंदगी में सीखते हो ना भाई, या तो आपके घर वाले सिखाते हैं, या तो आपका स्कूल का जो माहौल है ना भाई, वो सिखाता है आपको। सो भाई थैंक यू भाई अपने स्कूल की स्टेज को और उन टीचरों का भाई, जिन्होंने ऐसा माहौल हमारे स्कूल में बना के रखा था कि भाई एक स्टूडेंट के अंदर की एबिलिटी मतलब क्षमता को निकालना बाहर भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और क्यूज़ कंपटीशन करवाए जाते थे हमारे स्कूल में भाई, सो उसकी वजह से भाई आज हर कोई बंदा अपना पैशन फॉलो करता है भाई स्कूल से निकल कर, ठीक है। किसी को हर ही फील्ड में इंटरेस्ट होता है भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ या ऑन कैमरा कुछ बोलने में इंटरेस्ट है, बट भाई ये भी एक पैशन होता है बंदे का, ठीक है। ऑन कैमरा कोई ज़्यादा टाइम कुछ नहीं बोल सकता भाई, ये भी एक ना बहुत बड़ी बात है भाई ऑन कैमरा किसी के सामने कुछ बोलना भाई। सो मैं यही करता हूँ एंड में लास्ट भाई, स्कूल ने दिया भाई जो दिया मेरे को, आगे जाके जो भी मॉरल वैल्यू मेरे संस्कार होंगे भाई, वो भी स्कूल से भाई, घर वालों की वजह से, मेरे टीचरों की वजह से और मेरे स्कूल की वजह से भाई। सो थैंक यू भाई, किसको बोलूँ भाई, अपने आप को बोलूँ या उन टीचरों को बोलूँ जिन्होंने ऐसी परवरिश की हमारी भाई स्कूल से, थैंक यू यार, वर्ड्स नहीं है भाई मेरे पास। सो मेरे दोस्त, ये है भाई मेरा स्कूल और ये है हमारी स्टेज भाई, अब तो स्टेज भी चेंज हो गई है भाई, पहले छोटी हुआ करती थी। सो भाई यहाँ से खड़े होकर भाई जब प्रेयर के समय असेंबली होती थी ना हमारी, सो भाई इस जगह पे भाई 300-400 से बंदा बैठा हुआ था, मतलब स्टूडेंट बैठा करते थे भाई, जब इधर हम कुछ बोला करते थे भाई असेंबली के टाइम, क्यूज़ कंपटीशन हुआ करते थे हमारे। सो भाई यहाँ खड़े होकर भाई मैं अपने खुद की भाई रियलिटी बता रहा हूँ भाई, यहाँ इस स्टेज से जो भाई सीख के गया ना बंदा, लाइफ टाइम तक भाई साथ रहता है भाई। सो मैं इसलिए अपने हर एक वीडियो में कोई स्टूडेंट है भाई, उसको ये रिक्वेस्ट करूँगा भाई, अगर टीचर आपको मौका देते हैं ना स्टेज पे कुछ बोलने का भाई, किसी डर के बिना भाई स्टेज पे चढ़ जाओ, और कोई गलती होगी वो टीचर सुधार देंगे तुम्हारे, बट आपका जो कॉन्फिडेंस यहाँ से पैदा होगा ना भाई, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है भाई, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसी एक दीवार पर लिखा हुआ है
मोटिवेशन थॉट है भाई, सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए, यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। सो दोस्त, सीखने का सबसे मेन मोटिव यही है भाई, एक आपके टीचर, दूसरा आपके स्कूल की स्टेज। मुझे नहीं पता कि इस वर्ड्स को मेरे किस वे में लेंगे भाई जब ये वीडियो देखेगा कोई, बट मैं यही कहता हूँ एंड में भाई, जो इस स्टेज से सीख के जाओगे ना आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा भाई, ये रियलिटी है भाई। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सो आप भी समझ जाए भाई, इस स्टेज पे जो आता है भाई वो बोलो। अगर कोई आप गलती करोगे ना तो आपके टीचर सुधार लेंगे भाई, लेकिन भाई लाइफ के जब स्कूल के बाहर वाली दुनिया देखोगे ना आप, तो आपको स्कूल के वो दिन याद आएंगे भाई। आज मेरे दोस्त मिलते हैं ना कोई मेरे साथ भाई, सो मैं उनसे पूछता हूँ भाई स्कूल के दिन क्या नज़ारे थे ना, सो भाई सच बोलते हैं भाई, जिंदगी में जैसे स्कूल थी ना वैसे कभी नहीं मिल पाती हमें। सो दोस्तों, मेरा सब कुछ बताने का मेन मोटिव यही है भाई कि एक बंदे ने कमेंट किया था भाई, मुनीश भाई आप ये सब कुछ ऑन कैमरा कैसे बोल लेते हो भाई। सो मैं उस बाइक को ये बताना चाहता हूँ भाई, जब भी स्कूल में मैं 450 बच्चों के सामने अपने हर एक बात शेयर कर सकता हूँ भाई, सो मैं ऑन कैमरा अपने पब्लिक ऑडियंस के सामने क्यों नहीं कर पाता भाई। ठीक है, सो भाई ये कॉन्फिडेंस मुझे इसी स्टेज से मिला है भाई, अपने टीचरों के द्वारा, अपने स्कूल के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा, जो मेरे क्लासमेट थे भाई उनके द्वारा, ये सब कुछ कॉन्फिडेंस यहाँ से पैदा हुआ भाई, स्कूल से। ठीक है, सो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, जो बंदा स्कूल टाइम इस वक्त है ना भाई, अपने आप में पढ़ने की आदत डालो अच्छे से, और दूसरा नंबर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस डालो हर एक फील्ड में अच्छा बेहतर बनने की भाई। क्या आप स्पोर्ट्स में हो, क्या आप स्टडी में हो, क्या आप एक, क्या बोलूं भाई मैं इस वक्त, क्या वर्ड यूज़ हो सकता उसके लिए भाई, एक सीनियर स्टूडेंट बनने के लिए भाई, आप एक माहिर बनो हर चीज़ में भाई, ताकि आपके टीचर भी आपकी मदद करें, आपको अगर कोई गलत राह पे जा रहा है भाई आपको मोटिवेशन दे अच्छे से भाई। सो मैं अब यही बोलूँगा लास्ट में भाई, अपने स्कूल टाइम से जो आप सीखोगे ना वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है भाई। सो बहुत होगी मोटिवेशन की बातें भाई, आप चलते हैं घर भाई। सो है माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, सो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूँ भाई घर। सो देखा होगा भाई आज का छोटा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन भाई एक्सपीरियंस में बहुत मोटिवेशन है भाई, अगर कोई बंदे ने दिल से लगाया होगा ना उस मोटिवेशन की बातों को भाई, स्कूल टाइम जो स्टूडेंट है इस वक्त भाई, तुम्हारे लिए कुछ सीखने के लिए भाई, सीख लेना यहाँ से, जो आप स्कूल टाइम से सीखोगे ना वो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है मेरे दोस्त। सो ये उम्मीद करता हूँ भाई छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्सपीरियंस साथ, अपने इंटरेस्टिंग के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।